सकते हैं सबसे पहले यानी मुस्कान केटी इन्हीं के साथ काम करती थी और वायरल हुई थी कहीं ना कहीं गाने से ना। जी वही गाना एक वायरल हुआ था मेरा, आगे लाख टका के लहंगा देलियो प्यारे में तोरा पीरितिया गे, 90,000 के नथिया दे बहु चलन खेसर के नथिया। क्या यह कहीं ना कहीं सच्चाई है कि एक समय था जब उस समय में ना आशीष यादव ना रोशन रही ना अहिला कुंदनवा उन लोग का गाना नहीं बजता था, उस समय आपका मगही में गाना बजता था। जो हो रे के कारी हो भोला बाबा तुहरा से हमार जियो हो ना, ए बाबा हो कैसे के हम जेबे तुहारू दुआरियो हो। मन खिलाई बहु तोरा गे छोड़ी कट जा मन खिलाई बहु गे तयई है डोमो बगीचा में तोरा गे छोड़ी कट जामुन खिलाई बहु। नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं खबरी लाल यूट्यूब चैनल जो कि हर खबर यह सबसे पहले देता है, और आज हम आपको एक ऐसे मगही कलाकार से मिलवाएंगे जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, सौरभ राजा से मिलवाएंगे जो कि मगही के साक्षात सुपरस्टार है। जी हाँ, ये उस समय के सुपरस्टार हैं जब आशीष यादव नहीं थे, रोशन रोही नहीं थे। जी हाँ, उस समय उन लोगों का गाना नहीं बजता था और उस समय मगही में जिसका गाना बजता था वो कलाकार हमारे सामने है। जी हाँ, यहाँ पे दिखाइए, सौरभ राजा हमारे साथ हैं और स्टूडियो में यहाँ बैठे हुए। कैसा है भैया? अच्छे भैया, अपना सुने ठीक है, बवाल कर रहे हैं एकदम। हाँ, अभी सावन का तो बवाल हो ही रहा है जी। और कैमरामैन से कहेंगे कि इधर आइए और इधर से थोड़ा कैमरा लीजिए और दिखाइए फुल फ्रेम में। आप इतना ज्यादा मगही में बवाल करने के बाद आप भोजपुरी भी गाना गाने लगे, क्या कहिएगा? नहीं, मगही का तो बहुत सारा गाना मेरा बज चुका है अभी, और सावन का मतलब शूटिंग हो चुका, अपलोड भी गाना है, आप सुन सकते हैं, मतलब अच्छे अच्छे चैनल पे रिलीज हुआ है, जो कि ओशियन म्यूजिक है, एमएम म्यूजिक है, इस पे भी आने वाला है, जो कि मैनेजर ये मोनू मंडल जी है, अभी देख रहे हैं, ये बुलाए थे, मतलब इसके कंपनी के लिए भी गाना गा रहे हैं जी, आने वाला है जी। अच्छा, आप क्या यह कहीं ना कहीं सच्चाई है कि एक समय था जब उस समय में ना आशीष यादव ना रोशन रही ना अहिला कुंदनवा उन लोग का गाना नहीं बजता था, उस समय आपका मगही में गाना बजता था? जी भैया, उस समय था 1918 में, 2019-18 में मेरा गाना बहुत बजता था जी। जी 2018-19 में जी, उस समय आपका दौर था और उस समय आपका गाना गली गली घर घर में सुना जाता जी, था जी। लेकिन क्या बात हुआ कि आज आपका गाना उस लेवल से नहीं बज पा रहा? कुछ बजा नहीं था, हम छोड़ देते एक साल के लिए गाना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया था घर का कि गाना छोड़ देते एक साल के लिए, इसलिए दब गए थोड़ा सा और फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई कौन कौन गाना बजा था भैया, थोड़ा दर्शक को गा के सुनाइएगा। मेरा सबसे पहले पहला गाना बजा हुआ था बोलबम का, सावन का गाना था कि हथाबा जो हो रे के कारी हो भोला बाबा तुहरा से हमार जियो हो ना, ए बाबा हो कैसे के हम जेबे तुहारू दुआरियो हो ना। 1 करोड़ से ऊपर गाना है, बताइए 1 करोड़ से ज्यादा इस पे व्यूज है जी, जी। और कौन कौन सा गाना बजा था भैया? और एक था मतलब लोगी था जो कि बहुत बजा था हर डीजे, उस समय मेरा ही गाना बजता था जी। था गाना जामुन खिलाई बहु तोरा गे छोड़ी कट जामुन खिलाई बहु गे तयई है डोमो बगीचा में तोरा गे छोड़ी कट जामुन खिलाई बहु गे, ये गाना बहुत बजा था। कट जामुन खिलाईबे गे छोड़ी कट जामुन खिलाईबे गे, ये थोड़ा गाने का अर्थ दर्शक को बताइएगा। मतलब गाने का अर्थ है, मतलब एक बगीचा था ना, तो नामी बगीचा था, तो गांव का भी नाम था, तो उसी गांव के नाम से बगीचा के नाम। अच्छा, जो गर्लफ्रेंड थी उसका जो बॉयफ्रेंड था बोलते थे जामुन खिलाईबो आई तो बगीचा में ना, जामुन खिलाईबो यहाँ बगीचा। अच्छा, बगीचा में आई है। तो अच्छा, एक चीज है कि उस समय में आपका इतना ज्यादा गाना बजता था, आप इतना ज्यादा चर्चा में थे, आज थोड़ा सा आपका कम गाना बज रहा है, तो मेहनत जारी है? हाँ, मेहनत जारी है, और मेरा सावन का गाना रिलीज हो चुका है अच्छे से चैनल पे, ओशियन म्यूजिक है जिसपे बहुत अच्छा गाना रिलीज हो चुका है जी। कौन सा गाना रिलीज हुआ है? गाना है वो भी गाना 1 लाख व्यूज पार हो गया भैया। हाँ, 1.5 लाख चला गया है, मतलब ऑडियो रिलीज हुआ है जी। भंगिया धथुरा बा भोला बाबा तुहारे चढ़ाई बाहो, ए भोले बाबा पगली गईले छोरे ससुरार की कैसे हम दुआरा आई बहो जी। वाह, क्या बेहतरीन गाना है। अच्छा, एक चीज और आपके देखे, आपका गाना देखे
और उस गाने में एक भोजपुरी मगही की बहुत ही बेहतरीन मॉडल मुस्कान केटी जी थी। जी हाँ। और उस गाने में मुस्कान केटी एकदम नए लग रही है। जब सबसे पहले वो बच्ची थी ना तो पहले मेरे साथ एक काम किए वो। अच्छा। मेरे इलाका के मेरे घर के पास की है। अच्छा। मेरे गाने में बहुत काम किए वो। जिस समय वो अंकुश म्यूजिक भोजपुरी में रहती थी उससे मेरे साथ बहुत काम किया। आज आशीष यादव के साथ हो या रोशन हो किसी के साथ पहले मेरे साथ वो काम। सबसे पहले यानी मगही के बेहतरीन मॉडल मुस्कान आपके साथ काम करती थी। पहले मेरे साथ काम की है। अच्छा देख लीजिए। देख सकते हैं सबसे पहले यानी मुस्कान केटी इन्हीं के साथ काम करती थी और वायरल हुई थी कहीं ना कहीं गाने से ना। जी वही गाना एक वायरल हुआ था मेरा। अगे लाख टका के लहंगा देलियो प्यारे में तोरा पीरितिया गे 90,000 के नथिया दे बहुत चला ना खेसर के हटिया गे। उसका हटिया खेसरे बाजार है। उसका अच्छा, बाजार पड़ता है खेसर। अच्छा। मुस्कान केटी का जी तो उसके बाजार के नाम से गाए थे और वो ही मेरे वीडियो में थी। अच्छा। पहला वीडियो में ही थी जी। और अच्छा आप बांका जिले से आते हैं जो कि बिहार का एक सर्वश्रेष्ठ जिला है और उस जिले पे भी आपने बहुत सारा मगही गाना ट्रेंड कराए थे, एक दो सुनाइएगा। बांका अपने जिला के नाम से गाए थे कि हम छकियोगे बांका जिला के छोरा दुल्हनिया बनाई लेबोगे कि मंगिया सजाई देबोगे। वाह क्या बेहतरीन संग। अभी आने वाले नए नए प्रोजेक्ट कौन कौन है? नए नए आने वाले MM म्यूजिक से आने वाले हैं जो कि मोनू मंडल इनका चैनल है तो इनके चैनल से आने वाले हैं। और ओशियन म्यूजिक है, ओशियन म्यूजिक उस पे मेरा बोलबम का चुका है, बहुत शानदार गाना है जी। और गाना थोड़ा सुना देते हैं जी। कि अचारा के दूधावा के करा जा चुकाई दे ना बेटा रे कि अरे बेटा मरे घरी देवा घर घुमाई देना तीरा था कराई देना रे। ये गाना सारण म्यूजिक पे है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है भैया इतना समय देने के लिए, दिल से धन्यवाद। और मोनू मंडल जी को दिखाई यहाँ पे बैठे हुए, आपके कंपनी से गाना आ रहा है, क्या कहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल आपके मुंह में नहीं लगाएंगे, बोलिए। सौरभ भाई से मेरा मुलाकात 2018 से जी, इनके गांव भी जिले में भी जाता था घूमने के लिए, तो इनसे मुलाकात हुआ कब, जैसे कि पटना में हम लोग जा रहे थे रास्ते में, रास्ते में हुआ। हाँ तो एक दिन ये अचानक मेरे नजरों के सामने से एकदम तेजी से निकलते हुए जा रहे थे जी, तो मैंने इनको देखा कि सौरभ भाई इग्नोर करके जाए भागे जा रहे हैं। बोला हेलो हेलो सौरभ भाई रुकिएगा थोड़ा सा, तो इन्होंने मेरे को बोला कि हाँ बोलिए पहचाना नहीं। बोला अरे यार आप 2018 में कॉल किए थे जब उस टाइम हम दिल्ली में थे, तो उस टाइम इन्होंने बात बात किया था फोन पे गाने वाने को लेकर, इनका उस टाइम गाना बज रहा था तो गाने के लिए बात हुआ था, तो नहीं मिले। तो फिर एक दिन उन्होंने बोला कि आइए स्टूडियो पे कुछ प्रोजेक्ट किया जाए, तो बोला ठीक है, तो आए उस दिन थोड़ा देर आएगा और बवाल आएगा, बवाल होने वाला, बवाल होने वाला। अच्छा अच्छा गाना रिकॉर्ड हो चुका जी, है जी। तो देख सकते हैं MM म्यूजिक वर्ल्ड यानी मंडल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बैनर तले, मंडल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चैनल तले आने वाला है MM म्यूजिक वर्ल्ड पे बहुत ही प्यारा सा गाना। साक्षात सौरभ यह है भैया, सौरभ राजा जी के आवाज में। तो आप लोग जाइएगा इस गाने को भी प्यार दीजिएगा, इंटरव्यू भी करके हम दिखाएंगे। बाकी गर्मी का बहुत ज्यादा माहौल है, देख सकते हैं पूरा शरीर गर्मी से भीग गया है, लेकिन रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लगातार दिखाएंगे खबरी डाल चैनल के माध्यम से हर खबर ये सबसे पहले देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।